इत्मीनान से आपके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक लाया हूँ, जो कि कह रहा है, क्या सवाल कर रहा है प्यारे बच्चों। तो देखिए, हमारे गैस डियर गैस श्री राम नाम के लिखे है ना, एक कह रहता है, देखिए, एक आयत 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 का परी माप तथा लंबाई लंबाई का न लंबाई का अनुपात पाँच बटा आठ है तो चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात ज्ञात करो, ज्ञात करें। कह रहा है एक आयत का परिमाप तथा लंबाई का अनुपात कितना है, पांच बटा अठारह, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, यानी ज्ञात करने का रहता है, ओके, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो डियर जैसे जैसे कहता है, बिना देर किए मैं आपको टॉपिक की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ। इसलिए कि मैं आपसे बिंदास में निवेदन करता हूँ कि जो भी नए नए विभर जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी एक से एक बढ़कर जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ताइए जय श्री राम। देखिए, जैसे जैसे कहता हूँ वैसे आप क्या लिखते हैं, हल, सर्वपहले क्या करते हैं, हल लिखते हैं, है ना। पुराने जमाने से आ रहा है, ओल्डन टाइम से हम लोग को हल, है ना, हल। अब मान लो, माना लंबाई, लंबाई बराबर एक मीटर या सेंटीमीटर लिखो, और चौड़ाई कितना मानिए, चौड़ाई भी मानिए, चौड़ाई बराबर कितना मानिएगा, तो बाईस मीटर, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं डियर। अब देखिए, तो परिमाप बराबर भी समझ लीजिए, क्योंकि आयत का परिमिति मिति या परिमाप ऐसी होता है, परिमिति या परिमाप, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, दो लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना, ठीक है। तो डियर यहाँ पर देखिए, दो तो पहले से आ गया और एक प्लस बाई भी आ गया, ठीक है। आप चर्चा कीजिए, देखिए पाँच बटा अठारह पर दिया हुआ पहले से, है ना, परिमाप या परिमिति, परिमिति यहाँ भी लिख देते हैं, विद्यार से आप लोग हैं समझने में सुविधा हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पाँच बटा अठारह, है ना, तब देखिए कैसे लिखा होता है, चर्चा इस पर एक लिखते हैं, ठीक है, समझने के लिए आपको बटा के रूप में है इस लिख के, ठीक। अब देखिए, तिरछा गुना हो जाता है, तिरछा गुना होता है कितना हो जाएगा, पहले देखो नौ दूने अठारह, नौ बच गया, तो यहाँ अब क्या लिखेंगे, नौ एक्स बराबर पाँच एक्स प्लस पाँच बाई, ठीक है, बड़ा है ना, अभी जाएगा बुझा, है ना। देखिए एक नाइन एक्स माइनस पाँच एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, पहले चार एक्स बराबर पाँच बाई, ठीक है। अरे क्योंकि एक्स बटा बाई है ना, तो एक्स बटा बाई बराबर कितना हो जाएगा,
तो 4/5 अर्थात और अनुपात 22 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5:4 ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि लंबाई कितना हो गया तुम्हारे 4, अब चौड़ाई कितना हो गया तुम्हारे मोहन, तो 5 मीटर है ना। इसका अनुपात भी आप जान गए कि 5:4। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं।